स्टूडेंट आज हम लोग लेसन 10 इंग्लिश रीडर का एक्सरसाइज बी चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है स्मोग इज स्मोकी फॉग हैविंग पुअर ऑपेसिटी एंड बैड ऑडर। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, स्मोकी। सेकेंड है द एक्सटेंट ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेज हैज़ क्रॉस बियरेबल लिमिट्स। सेकेंड में क्या हो जाएगा, बियरेबल। थर्ड है New Delhi and NCR have become one of the most polluted region in the world. ठीक है, से थर्ड में NCR। फोर्थ है एयर पॉल्यूशन हैज़ बिकम द फिफ्थ ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। फोर्थ में पॉल्यूशन। फिफ्थ, पीपल हैव टू यूज मास्क व्हेन दे गो आउट इन द ओपन ड्यूरिंग स्मोक। सिक्स में है द प्रॉब्लम इन आवर कंट्री इज दैट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर टैकल्ड ऑन एडॉक बेसिस। ओके, सेवन, वी कैन नॉट वेट फॉर द वर्ल्ड टू बिकम अ गैस चैम्बर। लास्ट सेवन में क्या हो जाएगा, गैस चैम्बर, गैस हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज सी देखेंगे। राइट एनी फोर मेजर्स दैट कैन इरेडिकेट द कॉजेज ऑफ स्मोक एटलीस्ट पार्शियली। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें, राइट द एनी फोर मेजर दैट कैन इरेडिकेट द कॉज ऑफ स्मोक एटलीस्ट पार्शियली। फर्स्ट में है प्लांट मोर ट्रीज। सेकेंड, शिफ्ट इंडस्ट्रीज आउट ऑफ सिटीज। थर्ड, कीप योर व्हीकल्स वेल ट्यून्ड। फोर्थ, बैन ओल्ड व्हीकल्स। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज सी का आंसर। फर्स्ट में हमने क्या लिखा, प्लांट मोर ट्रीज। सेकेंड, शिफ्ट इंडस्ट्रीज आउट ऑफ सिटीज। थर्ड, कीप योर व्हीकल्स वेल ट्यून्ड। फोर्थ, बैन ओल्ड व्हीकल्स। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से एक्सरसाइज बी और सी करना है कॉपी में। ठीक है, और वर्ड मीनिंग आपको कर लेना है कॉपी में, सारे वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करवा देंगे।